नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लालटेन और मैं हूं आपके साथ लोकेश शर्मा। आज मदर्स डे के दिन हम दंतेवाड़ा ज़िले के अति संवेदनशील गांव पखना चुआ में रहने वाली एक मां का दर्द आपको दिखाएंगे, जिसका जवान बेटा मुख्य धारा से भटककर तकरीबन 10 साल पहले माओवाद संगठन से जा मिला, जिसकी पहचान आज इलाके में हार्डकोर माओवादी के रूप में होती है। वहीं बीमार बूढ़ी माँ की बेटे को देखने तरसती आँखों में यही उम्मीद है कि एक दिन बेटा घर जरूर लौटेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चा भले ही कितना ही अपराध क्यों ना कर ले, सारे लोग नाते रिश्ते भले ही तोड़ चुके हों, लेकिन अपने बच्चे के लिए माँ की ममता कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसी ही एक माँ दूल्हे है जो अपने बेटा की याद में आज भी बिलख पड़ती है। बेटा 10 साल पहले नक्सल संगठन में कब शामिल हो गया माँ को पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो दूल्हे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दिलालटेन की टीम 5 लाख रुपए की हार्डकोर इनामी नक्सली बुधरा की माँ से मिलने जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर पखना चुआ गांव पहुंची। बुधरा का नाम लेते ही माँ पहले तो रो पड़ी। जवान बेटे का घर छोड़ जाने की वजह से दूल्हे के ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बुधरा को तलाशा गया लेकिन मिला नहीं। महीने भर बाद पता चला कि वह नक्सली बन चुका है। दूल्हे कहती हैं बुधरा की लाश नहीं देखना चाहती, हर दिन इस बात का भय रहता है बेटा मारा न जाए। वहीं लंबे समय से दूल्हे गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। आज भी दूल्हे की बूढ़ी आँखें बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रही है। दरअसल बुधरा अपने माता पिता का बड़ा बेटा है। बुधरा के 2 छोटे भाई हैं जो गांव में रहकर मजदूरी करते हैं। बुधरा की पत्नी और एक छोटा बेटा भी है। बेटे ने आज तक अपने पिता बुधरा की सूरत तक नहीं देखी है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद बुधरा रात के अंधेरे में अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया। बेटे के अचानक घर चले जाने से बहू और पोते की जिम्मेदारी बूढ़ी बीमार माँ के कंधों पर आ गई। दूल्हे जैसे तैसे बहू और पोते को पार रही है। पोते को शहर के स्कूल में पढ़ाकर अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती है, लेकिन एक तरफ बीमार शरीर तो दूसरी तरफ पैसों की तंगी की वजह से दूल्हे हिम्मत हार चुकी है। दूल्हे ने दिलालटेन के माध्यम से अपने बेटा बुधरा से कहा कि बेटा यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो घर लौट आओ, तुम्हें देखने मेरी आंखें तरस गई हैं, मैं बीमार हूँ, जिंदगी के आखिरी दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, बहू और बेटा भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में न जाने ऐसे कितने ही दूल्हे होंगे जिनके बेटे मुख्य धारा से भटक गए हैं, जिन्हें अपने जिगर के टुकड़े के दूर होने का दर्द सताता होगा। वे माएँ भी होंगी जो रोज सिर्फ यह सोचती होंगी कहीं मेरा लाल भी मारा न जाए। दंतेवाड़ा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि बुधरा सोड़ी कटी कल्याण ब्लॉक की पखना चुआ पंचायत का रहने वाला है। बुधरा LGS कमांडर है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की इनाम पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बुधरा विधायक भीमा मंडावी की हत्या में भी शामिल रहा है। कटी कल्याण क्षेत्र में पिछले 10 सालों से बुधरा सक्रिय होकर नक्सलियों के लिए काम कर रहा है। बुधरा सोरी जो कि पखनाचुआ पंचायत का रहने वाला है, वो कटे कल्याण लोकल गुड़ीला स्क्वाड LGS कमांडर है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन का 5 लाख का इनाम है। वो कटे कल्याण एरिया कमेटी सदस्य है जो कि दरभा डिवीजन CPI माओवीस्ट के अंदर आता है। वो भीमा मंडावी जी जो स्वर्गीय विधायक थे, तत्कालीन विधायक, उनकी हत्या में भी शामिल रहा है और जीरम में भी वांटेड है। कटे कल्याण क्षेत्र में पिछले 10 साल से उसका आतंक चल रहा है। वहीं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लालटेन। नमस्कार।